अद्भुत, अति सुंदर, आकर्षक। पर ये हो क्या सकता है? हाँ रानी परी, क्या हम जान सकते हैं कि आखिर ये सुंदर स्तंभ है क्या? ये अद्भुत और सुंदर स्तंभ प्रतीक है सच्चाई और अच्छाई का। याद से परिलोक की पहचान माना जाएगा। हम सब इसी स्तंभ की स्थापना के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। वो बताई रानी परी, है सच में कमाल का ये स्तंभ? हाँ, ये अद्भुत स्तंभ, देखा नहीं मैंने इतना सुंदर स्तंभ पहले कभी भी। बहुत बहुत शुक्रिया डूबा डुबाओ, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे डूबा डुबाओ, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमसे कुछ और भी कहना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। डुबा डुबाओ, कि स्तंभ की स्थापना की रस्म अब पूरी हो चुकी है। आप चाहे तो ये लड्डू खा सकते हैं। क्या? चलो 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 आगो। अरे अरे पकड़ो। अरे 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 कहाँ जा रहा? अरे रुक, अरे रुक रुक। खराब कर दी। भटकाती परी, ये शरारत आप ही ने की है ना? लड्डू। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। डुबा डुबा भाइयों, क्या मिलेगा? ये क्या? विस्फोटक गोला। जाऊंगा सबसे ऊंची पहाड़ी पर और गिराऊंगा इसे परीलोक पर। है करती परिया हमारा मुकाला, अब करूंगा मैं उनका ही मुकाला। फिर होगा चारों ओर इस श्री श्री तोबा तोबा जी का ही बोल बाना। परीलोक का नामो निशान मिटाना इतना आसान नहीं है तोबा तोबा। वैसे तोबा तोबा, तुमसे ज्यादा इस विस्फोटक गोले का वजन। ध्यान रखना हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि इसके नीचे आके तुम अपने प्राण खो। चुप बैठो। अरे है पड़ गई तुम्हें आदत हार मान लेने की, पर मानूंगा नहीं मैं इस बार हार। कर दूंगा परीलोक की खुशियों को तार तार, गाए जाएंगे मेरे नाम के गीत। बताऊंगा मैं सबको कि होती है क्या जीत। है छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। वाह, चलो भाई गर्मा गर्म दूध और बिस्किट रेडी है। वाह, बड़ा सरप्राइज मौसी। सलोनी और नील को देख के मन खुश हो गया। दोनों कितने बड़े हो गए हैं। बच्चों को स्कूल में छुट्टी होगी इसलिए लेके आई हो ना यहाँ? अरे नहीं जीजा जी,
इनके पिताजी जो तुम्हारे बहुत अच्छे वो है ना, वो जो धर्मेंद्र और अमिताभ थे ना शोले में, दोस्ती मौसी। हाँ, और उसमें मुझे तो मौसी का कैरेक्टर ही बहुत अच्छा लगा था, उसका क्या काम था उसमें। मौसी मौसी, आप उनके बारे में बता रही थी, उनके बारे में? किनके? गजानन। हाँ, तो उनकी ट्रांसफर हो गई असम में, और सलोनी के भाई सचिन का तो एडमिशन हो गया वहाँ के स्कूल में, लेकिन बिचारी सलोनी की तबीयत खराब थी ना, इसलिए इसका एडमिशन नहीं हुआ। तो मैंने सोचा इसे यहाँ ले आओ, शायद इसका भी मानव मेहर के स्कूल में एडमिशन हो जाए। चलो, अच्छा किया मौसी। हाँ, बहुत अच्छा किया, वरना ये बिचारी अहमदाबाद में अकेली क्या करती ना। बहुत अच्छा किया तुमने। और ये नील? अरे इस बिचारे का तो पूछो ही मत, इसका तो स्कूल ही बंद हो गया। अरे मेरी बहन अनीता है ना, उसका तो यही वो था। क्या था? अरे वो जो हम सोते हुए देखते हैं। लेकिन मौसी, हम सोते सोते कैसे देख सकते हैं? अरे देख सकता है ना, जो गांधी जी ने देखा था देश को आजाद करने के लिए। अरे वो अपनी जबलपुर वाली ताई है ना, उसका नाम भी तो वही है, सपना। हाँ, सपना। पहले क्यों नहीं बताया? मेरी बहन अनीता का भी वही सपना था कि नील मुंबई के कोई अच्छी स्कूल में पढ़ाई करे, इसलिए मैं इसे भी यहाँ ले आई। उसका भी सलोनी के साथ मानव और मेहर की स्कूल में हम एडमिशन दिलवा देंगे। अरे आजा बल्लू, ये देख कौन आया है, सलोनी। हाय। हेलो। और ये है नील। हाय। हाय। अनिल, ये है बल्लू। दादाजी मैं जानता हूँ उसे, मानव और महन ने इसके बारे में बताया था। हाँ, बल्लू लल्लू। लेकिन तेरे बारे में ऐसे किसी ने नहीं बताया, वो तो मुझे बताना पड़ेगा। नील, तेरे पांव पर कॉकरोच है। हाँ, कॉकरोच काय, कॉकरोच काय, कॉकरोच काय, कॉकरोच। सलोनी, मेरा जी खट्टा हो रहा है। अरे बेवकूफ, कहीं नहीं इधर कॉकरोच, मैं तो मजाक कर रही थी। अब मन मीठा हो गया। तो ये नील है, जब भी किसी चीज से बहुत डर जाता है तो कहता है जी खट्टा हो गया, और जब बहुत खुश होता है तो कहता है मन मीठा हो गया। बचपन की आदत है इसे, थोड़ा सा डरपोक टाइप है। पर और तू जो हर बात पे दादागिरी दिखाती रहती है, सीधा कर दूंगी कहती रहती है, उसका क्या? और हाँ, डरपोक नहीं हूँ मैं। तू डरपोक है। मैं नहीं हूँ डरपोक। है तू डरपोक? मैं नहीं हूँ डरपोक। तू डरपोक है। अरे अरे हाँ 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 हाँ, अरे हाँ, तुम डरपोक नहीं हो, तुम्हें तो देखकर ही लगता है कि तुम कितने बहादुर हो। सलोनी और नील अब हमारे साथ ही रहेंगे। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। मैं वैसे भी मानो मेहर को बहुत मिस कर रहा था, अब ये दोनों आ गए, उनकी कमी भी पूरी हो गई। हाँ बेटा, और इनका एडमिशन भी तुम्हारे और मानव मेहर के स्कूल में ही करवा देंगे। मेरे साथ? अरे बल्लू बेटा, इनको इनका कमरा दिखा दे। अरे हाँ हाँ, चलो मैं कमरा दिखाता हूँ, आ जाओ। कॉकरोच से डर गया। बस किसी तरह इन दोनों का एडमिशन हो जाए। तो ये बात है, लाइए दीजिए। थैंक यू सर। मुझे कितनी देनी है सर? क्या कितना देना? फीस कितनी देनी है? अरे मैं फीस नहीं मांग रहा हूं, आपका हाथ मांग रहा हूं। सर क्या क्या बात कर रहे हैं सर आप? मैं शादीशुदा हूं। मिस्टर महेश, यू आर वेरी फनी। मैं हैंड चेक के लिए आपका हाथ मांग रहा था। सॉरी सर, मैं समझ नहीं पाया। हेलो सर। वैसे मिस्टर महेश, हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आप जैसे अच्छे पेरेंट्स के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, जो बिना किसी कंडीशन के दूसरे बच्चों की मदद करते हैं। तो सर, मैं इन बच्चों का एडमिशन पक्का समझूं? हाँ हाँ, मैं आज मैनेजमेंट से बात करता हूँ, आई एम श्योर इन बच्चों की एडमिशन हो जाएगी। बस एक छोटी सी समस्या है। समस्या? अरे नहीं नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, वैसे तो इन बच्चों का एडमिशन कंफर्म ही है, बस फॉर्मेलिटी के लिए मैं इन बच्चों का इंटरव्यू ले लेता हूँ। हाँ 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 सर, प्लीज। हाँ बच्चों, रेडी? रेडी सर,
आपको जो पूछना है वो पूछ सकते हो। अगर आप ये पूछना चाहते हो कि रशिया का कैपिटल कौन सा है, तो मेरा आंसर है मॉस्को। और अगर आप ये पूछना चाहते हो कि 10 × 15 × 20 = तो मेरा आंसर है 3000। और अगर आप ये पूछना चाहते हो कि इंडिया का टोटल पॉपुलेशन क्या है, तो मेरा आंसर है 1.29 मिलियन। इतना सब तुम्हें कैसे पता? सॉरी सर, ये रॉन्ग है। अरे नहीं नहीं, आंसर्स बिल्कुल करेक्ट है। अरे सर, मैं इसके आंसर्स की नहीं, इन अकाउंट्स के टोटल की बात कर रहा हूँ। इसका टोटल होना चाहिए 3,19,020। सुपर, लाइए मिस्टर महेश। भैया थैंक यू सर। अरे फॉर्म्स लाइए, बच्चों का एडमिशन हो गया है। अगर आप चाहें तो इसी वक्त बच्चे 7th क्लास के बच्चों को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सलोनी, मेरा मन मीठा हो गया। लेकिन अभी से मतलब हमारे पास ना यूनिफॉर्म है, ना ही बुक्स और ना ही टिफिन। अरे बच्चों, उसकी तुम लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बुक्स तुम्हें आज के आज मिल जाएंगे और आज यूनिफॉर्म पहनने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ सर, रही बात लंच बॉक्स की, तो मेरा लंच बॉक्स है ना, आप लोग आज खा लेना, मैं ऑफिस में कैंटीन में खा लूंगा, है ना? सी द प्रॉब्लम इज सॉल्व। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर महेश। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम टू एवीपी विद्या मंदिर स्कूल बच्चों। थैंक यू सर। सलोनी, अच्छा तो तू है वो नया पिद्दी इसने एडमिशन लिया है 7th में। मोंटू बॉस, 7th के स्टूडेंट को 7th स्टैंडर्ड में ही एडमिशन मिलेगा ना, सब आपकी तरह थोड़ी ना होता है कि ग्रेजुएशन की उम्र में भी 7th क्लास में बैठे नजर आते हैं। नाम क्या है तेरा? LMJ। LMJ पूरा नाम बोल। अरे लोनी क्या कर रहा है, नाम बोल। लालवानी मनीष जगदीश। लालवानी तो तेरा नाम है, ये मनीष जगदीश कौन है? मैं हूँ मोंटू बॉस, LMJ। देख मुसीबत भी मोंटू से पंगा लेने के लिए वाया वाया आती है, पर तूने तूने तो डायरेक्टली पंगा ले लिया, इस गुस्ताखी की सजा तुझे मिलेगी, भरपूर मिलेगी। कल तू मेरा सारा होमवर्क कंप्लीट करके लाएगा। अरे मोंटू बॉस, इसके डैड की तो स्पोर्ट्स की दुकान भी है,
अच्छा अब तू मेरे और रोहित के लिए स्पोर्ट्स का सामान भी लाएगा। चल अब बोल जो मुझे सुनना है वो बोल। मोंटू छोड़ दो उसे वरना वरना अच्छे अच्छे को सीधा किया मैंने तुझे भी कर दूंगी समझा। सलोनी याद है दादाजी ने क्या समझाया था बेवकूफी और बहादुरी में फर्क करके पंगा लेना चाहिए और जो तू इस टाइम कर रही है वो 100% बेवकूफी है इसीलिए और पंगा मत ले मेरा जी खट्टा हो रहा है। तुम लोगों को जरा भी आइडिया नहीं है कि तुम लोगों ने किससे दुश्मनी मोल ली है। मेरा मोंटू द ग्रेटेस्ट लगाने का इंसल्ट वो भी पूरे क्लास के सामने नहीं छोड़ूंगा। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। अरे कर्मी हो क्या रहा ये है ये तो परी लोक का इलाका है चलते यहाँ पर तो ठंडी और शीतल हवाएं हो नहीं सकती यहाँ से ज्यादा तो नरम और मुलायम और कोई जमीन कर्मी। अरे है क्या ये चक्कर है लगता कि सब महाविनाश का ही नहीं हो गया इन परियों का भी दिमाग खराब और गर्मी उनकी दिमाग की है पड़ गई इन पहाड़ों में भी। मैं तो यहाँ गड़बड़ करने ही अरे हो जितनी ज्यादा गड़बड़ है उतना अच्छा हो किस्सा तो खत्म पूरी लोग का नहीं छोड़ूंगा विस्फोटक कोने चल हो जा तैयार। ये क्या हो रहा है मंडू? मंटू मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ये क्या हो रहा है? वो कुछ नहीं वो नए स्टूडेंट्स आए ना क्लास में इसलिए दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था है ना विद्यो? दोस्तों बता बता सर को नहीं सर मंटू झूठ बोल रहा है ये तो हमें धमका रहा था। नहीं नहीं सर मैं तो शट अप मंडो क्या मैं तुम्हें जानता नहीं। अरे न्यू एडमिशन पे दादागिरी कर रहे थे अब भी घुटनों के बाल बैठ जाओ सर अब भी बहुत महंगा पड़ने वाला है तुम्हें ये सच। हाँ सर कैन पकड़ो सर कैन पकड़ो आवड़
यहाँ आ जा। हाँ तो बच्चों इनसे मिलिए, ये है सलोनी। सलोनी को तो आप सब जानते ही हैं, और ये है नील। न्यू एडमिशन, आज से ये लोग इसी क्लास में पढ़ेंगे। जाओ बच्चों अपनी जगह पे जाके बैठो। सलोनी रची खट्टा हो रहा है। ये दोनों तो गए, इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा मैं। फूटेगा सीधा विनाश लोक में ही। तोबा तोबा हो गई तेरी तो तोबा तोबा। मर गया मैं विनाश। ये कैसे हुआ? तौबा तौबा महाविनाश जी, शुक्रिया महाविनाश जी, शुक्रिया शुक्रिया। वो बताता मैं आपको, गया था मैं यह संभव है तौबा तौबा, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि पूरी दुनिया में परीलोक की जमीन सबसे शीतल और सबसे निर्मल है, फिर परीलोक की जमीन में इतनी गर्मी कैसे? बताओ तौबा तौबा, कौन सी जगह पर हादसा हुआ? यहाँ था मैं बेटा, यहाँ और हो गया मेरा ये सत्यानाश। ये तो ज्वालामुखी पहाड़। ज्वालामुखी पहाड़? हाँ महाविनाश जी, ये देखिए पहाड़ का ये हिस्सा कितना काला पड़ा हुआ है और इसके अंदर कितनी गर्मी है। और ये एक नहीं बल्कि पांच पहाड़ है जिससे परी लोग घिरा हुआ है। इसका मतलब इन पहाड़ों में कोई गहरा राज छुपा है। हमें पता लगाना होगा कि ऐसा कौन सा राज छुपा है। पर कैसे? इतिहास की किताब से। मुझे यकीन है कि इतिहास की किताब में इन पहाड़ों का जिक्र जरूर होगा। अब इतिहास की किताब ही इन ज्वालामुखी पहाड़ों का राज खोले। कहाँ फंस गए यार? अब अगर स्कूल में लालवानी मनीष जगदीश और फैलम जे का नाम जिंदा रखना है तो रात भर जाग के मोंटू का होमवर्क करना पड़ेगा और डैडी के दुकान से मोंटू का सामान भी लाना पड़ेगा।
अरे तो क्यों डरते इतने उस मोंटू से? अरे तुम भी डरो, वो मोंटू है मोंटू। मोंटू अपनी इंसल्ट कभी नहीं भूलता, वो छोड़ेगा नहीं तुम दोनों को। सलोनी अब तो मेरा भी जी खट्टा हो रहा है, चल हम कहीं छुप जाते हैं, अगर वो मोंटू आ गया तो। ए नील, क्या जरा जरा सी बातों में डर जाता है? आने दे जिसको आना है, मुझे भी आता है अच्छे अच्छों को सीधा करना। तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा हमें, अब ले तू खा। मनीष तेरा टिफिन कहाँ है? वो तो मोंटू कब का खा गया। कोई बात नहीं, तो हमारे टिफिन से खा ले। Are you sure ना? हाँ पक्का ले खा। चल चल चल। वाओ क्या चिप्स है। मोंटू टिफिन को अभी नीचे रख दे। ए चील के पंजे से शिकार और मोंटू द ग्रेटेस्ट लगानी के हाथ से टिफिन कभी वापस नहीं छीनते, बहुत डेंजरस हो सकता है। बताया नहीं किसी ने? शायद तुझे भी किसी ने नहीं बताया। जब मुझे गुस्सा आता है ना तब मैं अच्छे अच्छों को सीधा कर देती हूँ। मैं इस जंगल का शेर हूँ, यानी कि राजा, और राजा की प्रजा बनना है ना तो राजा की इज्जत करना सीखो, समझे समझे? अरे अरे मोंटू जी मैं भी समझ गया और वो भी समझ गया, अब बस आप नीचे उतार दीजिए जी, बहुत कट्टा हो रहा है। अरे मोंटू जी। अच्छा वो शराफत से मेरे भाई को नीचे उतार दिया, वरना तुझे बहुत पछताना पड़ता। सलोनी क्या कर रही है तू? मांग लेना माफी, मोंटू जी कहा और हम कहा। मोंटू जी मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। मोंटू जी हम आपकी बहुत इज्जत करेंगे, आप पे ऐसे लिखेंगे, आप पे पोएम लिखेंगे, बस आप नीचे उतार दीजिए मोंटू जी। अरे जा, ये तुझे डरा सकता है पर मुझे नहीं। नील बालवीर, इन्होंने तो बालवीर को बुला लिया। बालवीर ये सलोनी, मैं जानता हूँ ये सब किसने किया है। मोंटू तुम्हें सुधारने का एक तरीका है मेरे पास, तुम्हारी बाहरी बुराई को साफ करना होगा। नील सलोनी, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे स्कूल का पहला दिन अच्छा ही गया होगा। और हाँ, अगर मोंटू तुम्हें कभी भी परेशान करे तो मुझे बुला लेना, मैं इसे सीधा कर दूंगा। माफ कर दो, सॉरी सॉरी। मोंटू वैसे तो तुम सुधरने वाले हो नहीं, लेकिन फिर भी अगर आगे से ऐसी शरारत की और किसी भी बच्चे को परेशान किया तो मैं तुम्हें तालाब में डालकर घिस घिस के तुम्हारी बुराई साफ करूंगा, ठीक है? विद्यों इस बेइज्जती का बदला मैं लूंगा, जरूर लूंगा।
पढ़ो शातिर परी, क्या लिखा है इसमें? जी बहुत साल पहले परियों ने अपनी जादुई शक्ति से इन ज्वालामुखी पहाड़ों को ठंडा कर दिया था। इन पहाड़ों में भयानक लावा भरा हुआ है जो एक बार फट गया तो कुछ ही घंटों में परी लोग जल के राख हो जाएगा। ऐसे दिन का इंतजार था। अब मैं इन पहाड़ों को सक्रिय करूंगी, फिर इनका लावा फूटेगा और सारा परी लोग जलकर खाक हो जाएगा। अब परीलोक का विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। परियां? परियां भी नहीं, क्योंकि इस किताब के अनुसार एक बार लावा बाहर निकल गया उसके बाद परियों का भी जादू उस पर असर नहीं करेगा। क्या हुआ तोबा तोबा? ले रहा हूँ खुशबू आप दोनों की खुशी के खैनी फुलाओ की। बता रहा हूँ मैं सच, है क्या कह रहे इस किताब के पन्ने, पढ़ाने आगे और है देखने लगे सपने। बातें 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 बातें, ऐसा क्या लिखा है आगे इस किताब में तोबा तोबा? वो बताता। किताब के अनुसार नहीं कर सकती सक्रिय कोई भी परी इन पहाड़ों का ज्वालामुखी। सुना आप दोनों ने, कोई भी परी। और हो अगर याद आप दोनों को तो हो आप दोनों भी परियां ही। नहीं चलने वाला आप दोनों का भी जादू इन ज्वालामुखी के पहाड़ों पर। नहीं कर सकती आप दोनों भी सक्रिय इन पहाड़ों का ज्वालामुखी, समझी? बातें बातें बातें, चपर चपर चपर, बातें पढ़ने दो। आगे इस किताब में ये लिखा है कि कई साल पहले अग्निकाल नाम के एक राक्षस ने इन ज्वालामुखी पहाड़ों को सक्रिय करने का प्रयास किया था, लेकिन तब परियों ने अपनी जादुई शक्ति से इस अग्निकाल को एक पवित्र नदी के जल के सहायता से पवित्र जल के साथ मायावी गुफा के कुंड में बंद कर दिया। और आगे पवित्र जल की शक्ति से हो गई थी अग्निकाल की सारी शक्तियां निष्क्रिय और कर दिया था उसे कैद हमेशा हमेशा के लिए उस अग्निकाल को उन परियों ने पवित्र जल के कुंड में। आगे इस किताब में ये लिखा है कि सिर्फ अग्निकाल ही है जो इन पहाड़ों का ज्वालामुखी सक्रिय कर सकता है। और है बड़ा सोरा वो अग्निकाल पवित्र जल के कुंड में बड़े आराम से। बोलिए महाविनाश जी, है यही भेद इन पहाड़ों का? अब बोलिए। हर बार मेरे साथ ऐसा होता है, इस बार नहीं। इस बार मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। परीलोक को कोई नहीं बचा सकता। अग्निकाल, अग्निकाल, तुम्हें जागना होगा। अग्निकाल, जागना, जागना होगा तुम्हें। जागना आगे पढ़ो शातिर परी, क्या लिखा है अग्निकाल के बारे में? आगे इस किताब में ये लिखा है कि अग्निकाल का कद 40 फुट का है और उसका पूरा शरीर लावा से बना हुआ है। लावा? और उसे ऐसी शक्तियां मिली हैं कि ज्वालामुखी का नियंत्रण कर सकता है।
खतरनाक बात अग्निकाल के बारे में ये है कि वो बहुत ही गुस्से वाला राक्षस है। जब भी उसे गुस्सा आता है तो वो अपने हाथ से भयानक ज्वाला फेंकता है जो सामने आई हुई हर चीज को झुलसा कर रख देती है। पहले अग्निकाल इसलिए नाकाम हुआ क्योंकि वो अकेला था, पर इस बार वो अकेला नहीं, मैं उसके साथ हूं, महाविनाश। बताओ उसको जाकर कि सोने का समय खत्म हुआ, पूरे परिलोक को मौत की नींद सुलाने का समय आ चुका है। शातिर परी जाओ, जाकर अग्निकाल को उसकी नींद से जगा। जी मारना। जाओ जाओ। मैं वापस चलो, चलो नहीं जा सकते। और अगर तुम मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के चले गए तो महाविनाश ने तुम्हारी जान ले लेगी। अरे वैसे भी है कौन सी बचने वाली हमारी भी जान, अगर आ गया कहीं से राक्षस को गुस्सा तो वैसे ही ले लेगा हमारी जान वो। चुप रहो और आगे बढ़ते रहो। चलो चल चल के थक गया मेरा ये नया पाव, पता नहीं कब मिलेगा वो राक्षस अग्निकाल। नहीं नहीं जाओ तू पहले जाओ और अग्निकाल को जगा। जाओ नहीं नहीं जाऊंगा मैं, जाओ तुम पहले। बल्लू कहाँ रह गया, हमसे तो खाता यही मिलेगा, अब देखो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ रह गए। ये सब क्या हो रहा है, तुम किस बात की खुशियाँ मना रहे हो? तुम्हें नहीं पता? क्या नहीं पता? अरे मोंटू 3 दिन की छुट्टी पर गया है, यानी कि 3 दिन स्कूल में फुल ऑन शांति। Yes! Yes! Yes!
तो हो गए ना डरपोक। हो डरपोक नहीं हूँ मैं, और मौका आने पर मैं बता दूंगा कि मैं किसी से नहीं डरता। ये अरे ये तो वो है, हाँ लाल वाली मनी जगदीश, पर ये रो क्यों रहा है? पता नहीं, पर इसे देख के मेरा जी खट्टा हो रहा है। रंजीत ये रो क्यों रहा है? क्या पता, हम भी कब से पूछ रहे हैं लेकिन ये कुछ बता ही नहीं रहा। मनीष क्या हुआ तुम? तुम शांत हो जाओ और बताओ। चुप कर वरना तुझे सीधा कर दूंगी। क्या हुआ मनीष, तू रो क्यों रहा है? अभी ये लालवानी मनी जगदीश और LMJ नहीं बजने वाला। अरे पर हुआ क्या? मोंटू मोंटू क्या? कल मोंटू ने क्लास में मुझसे कहा था कि मेरा कल सारा होमवर्क करके आना और तेरे डैडी की स्पोर्ट्स की दुकान में से स्पोर्ट्स का सामान लेके आना। हाँ तो? मैं स्पोर्ट्स का सामान तो लेके आया लेकिन होमवर्क नहीं कर पाया। अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मेरी चटनी बना कर ही छोड़ेगा। अरे बस इतनी सी बात? तुम्हें तो इतनी सी बात लगेगी ना, वो तुम्हारी थोड़ी ना चटनी बनाने वाला है। अरे तू बेकार में टेंशन ले रहा है, मोंटू आज स्कूल नहीं आने वाला, वो 3 दिन की छुट्टी पर गया है। सच? हाँ सच, मोंटू 3 दिन की छुट्टी पर गया है इसलिए तुम लोग से मौज मना रहा है। वाह वाह क्या खबर सुनाई यार, थैंक यू। वैसे भी तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे साथ बाल। अरे बाल बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता तेरा मेरे होते हुए। अरे ऐसी की तैसी मोंटू की, चीज क्या है वो, चीज क्या है? मच्छर है वो मच्छर, यू मसल के फेंक दूंगा मैं यू। ओए नील तुझे क्या हुआ? अरे वो नर्वस हो रहा था ना, हिम्मत दे रहा हूँ, पुशअप करो पुशअप। अरे हाँ वो चीज क्या है मोंटू? अरे हवा भरा गुब्बारा है वो, उसे एक फूंक मारूंगा ना यू उड़ जाएगा। अरे फटा हुआ ढोल है वो, नाके का टोल है वो, बस एक बार मेरे सामने। अरे अरे मोंटू जी मुझे माफ कर दीजिए मोंटू जी, ये सब इन लोगों की गलती है, इन्होंने ही मुझे उकसाया था। मोंटू जी प्लीज, नहीं तो मैं आपकी बुराई। नहीं नहीं मोंटू जी मैं कभी नहीं कर सकता, मोंटू जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।
रोशात रोशात हो करता मैं। अरे कहीं बंद ना हो जाए मेरे कान, पर समझाए कौन आज इस शातिर परी को, कहां फंस गया रे तू, तोबा तोबा, पर जगाना तो पड़ेगा ही। ए अग्निकाल भैया, ए उठो अग्निकाल भैया, थे ना? देख, तीन चीजों का कोई भरोसा नहीं होता, वो कहीं भी और कभी भी आ जाती है, छींक, खुजली और खांसी। मोंटू, मोंटू बस कभी भी आ सकते हैं। हाँ, मोंटू सब कुछ मिस कर सकता है, पर ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप मोंटू कभी नहीं मिस करेगा, क्योंकि इस बॉक्सिंग चैंपियनशिप का एक ही चैंपियन है और वो है मैं, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी, मैं। अरे वो अभी कोई अकेले लड़ेगा तो जीतेगा ही ना। अरे मतलब बॉस कि किसी की हिम्मत नहीं है ना आपके खिलाफ लड़ने के बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, इसलिए आप ही जीतोगे। ये देख क्या लिखा है, पढ़ ठीक से पढ़। बॉक्सिंग मैच 2016 एल मनीष जगदीश, मोंटू बॉस मारना तो यही मार लो, वहां सबके सामने बॉक्सिंग रिंग में मारने की क्या जरूरत है। क्या बक रहा है? और नहीं तो क्या, वरना बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेरा नाम क्यों लिखवाते? तेरा नाम? हाँ, एल मनीष जगदीश, ये मेरा ही तो नाम है। तेरा नाम है बेवकूफ, ये मेरा नाम है। अच्छा आपको पसंद है तो आप रख लो, लेकिन कसम से मोंटू बॉस ये मेरा नाम है। आप भूल गए मैंने आपको नाम बताया था, एल मनीष जगदीश, लालवाणी मनीष जगदीश, लेकिन आपका नाम तो मोंटू है, तो आप कैसे एल मनीष जगदीश? अरे Hey! मेरा पेट नेम है मोंटू, मेरा असली नाम है एल मनीष जगदीश, समझा? और मेरे नाम में जो एल है ना उसका मीनिंग है लखानी, लखानी मनीष जगदीश, समझा? अरे वाह, आप लखानी, मैं लालवाणी, ये तो कमाल हो गया मोंटू जी, सेम सेम डिट्टो, इसका मतलब हम भाई हुए, नाम भाई, आज मुझे अपना भाई मिल गया, भाई भाई कुछ नहीं। देख मैंने तुझे दो काम बोले थे, तूने वो काम किए, अपने पापा की दुकान से स्पोर्ट्स का सामान लाया, लाया मोंटू बॉस। वेरी गुड, अब होमवर्क। होमवर्क के लिए माफी मांगता हूँ मोंटू बॉस। जा माफ किया तुझे, तू भी क्या याद करेगा मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी ने बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपना नाम लिखवाया, इसी खुशी में मैंने तेरी जान बख्श दी, चल फुट फुट।
थैंक यू मोंटूवास। रोहित, तुझे क्या लगता है मेरे सामने कोई मुकाबला करने आएगा? आएगा नहीं? आएगा तो अपने पैरों पर वापस थोड़ी जा पाएगा। मोंटू। नील, तू कितना बड़ा डरपोक है। मोंटू की कटआउट देख के उससे डर गया। और नील, सलोनी बता रही थी तेरे रूम में कॉकरोच भी घुस जाए तो तू डर जाता है। अरे मैं किसी से नहीं डरता। नील, तू डरता है, मान ले कि तू डरपोक है। मैं डरपोक नहीं हूँ। नहीं है तू डरपोक? हाँ नहीं हूँ। नील, तेरे शर्ट पे कॉकरोच है। कॉकरोच, ए कॉकरोच, काय कॉकरोच, 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 उधर काय कॉकरोच। देखा नहीं, डर गया ना तू डरपोक। नाम क्या तेरा? LMJ। पूरा नाम बोल। लालवाणी मनीष जगदीश। LMJ, ये तो वही डरपोक मनीष है जो अभी थोड़ी देर पहले तक मोंटू के डर से बाहर बैठा रो रहा था। उसने अपना नाम बॉक्सिंग कंपटीशन में दे दिया। ये कैसे हो सकता है? Yes, ये वही है। LMJ, लालवानी मनीष जगदीश। मनीष जानता है कि मोंटू 3 दिन तक स्कूल नहीं आने वाला है, इसीलिए उसने अपना नाम बॉक्सिंग कंपटीशन में दे दिया है। अब देर मत कर नील, इससे पहले कि कोई और जाके इस चैंपियनशिप में अपना नाम लिख पाए मुझे अभी जाकर सर के पास अपना नाम लिखवाना होगा। बोलो तुम।
नहीं बस की हमारे ये पास। अरे कब जागेगा ये राक्षस? आंधी रा मेरी तो कुछ समझ नहीं।